हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप कि यार बहुत ही बढ़िया हो गए। जैसे कि आपने मेरी पिछले वाली वीडियो में देखा कि हम टोक्यो स्टेशन आए हुए थे, ये वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा टोक्यो स्टेशन के पास वाला एरिया दिखा देता हूँ। आप में से कई लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट भी आया था यार टोक्यो का एरिया दिखाओ हमें कि कैसा दिखता है। तो यार ये लो, ये अभी हम टोक्यो स्टेशन के एरिया के पास में आए हुए हैं एंड बड़ा ज़्यादा अमेजिंग एरिया है यार। मैं आपको थोड़ा घूम के दिखाता हूँ ना यहाँ पर। सबसे पहले तो ना मेरे पीछे वाली बिल्डिंग्स देखो यार, कितनी बड़ी बड़ी है। यार ये एरिया ना जहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं टोक्यो स्टेशन का एरिया, ये जापान का सबसे ज्यादा पॉश एरिया है। यहाँ की जो मतलब कि बिल्डिंग्स वगैरह है वो इतना ज्यादा महंगी है ना, एंड आई डोंट नो कि आपको ये चीज पता है कि नहीं पता, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस सिटी में है पूरे वर्ल्ड में। अभी मेरा फ्रेंड आया था ना थोड़ा टाइम पहले, तो मैं उससे मिलने टोक्यो स्टेशन के पास में एक होटल है वहीं पर ही गया था उससे मिलने। बट यार टोक्यो की पता है रोड वगैरह इतनी कॉम्प्लिकेटेड वगैरह है कि अगर आप नॉर्मली नहीं ड्राइव कर रहे ना टोक्यो में, तो मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं जाऊँ कहाँ पर, सीधा जाऊँ, लेफ्ट लूँ, राइट लूँ। अगर आपने मैप वगैरह भी लगाया हो ना, गूगल मैप भी यूज़ करें, तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड ये देखो साइड पे कैसे रोड के साइड पे ये सारी टैक्सीज वगैरह खड़ी हुई हैं। मैं अभी आपको थोड़ा पास में जाके दिखाता हूँ। ये मेरे लेफ्ट साइड पे है टोक्यो स्टेशन की एंट्रेंस। टोक्यो स्टेशन का भी ना एरिया अंदर इतना ज़्यादा बड़ा है ना, अंडरग्राउंड एरिया हो गया, ऊपर वाला एरिया हो गया, यहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब कि लाइंस है ना ट्रेन की, कि मतलब कि मैं नॉर्मली ये यूज़ नहीं करता। तो काफ़ी टाइम बाद जब आता हूँ ना यहाँ पर, जैसे अभी आज वाली मीटिंग में मैं आया यहाँ पर, तो मैं यार काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। एंड ये देखो ये है अपना क्रॉसिंग वगैरह। ये जितने लोग दिख रहे हैं ना आपको अभी, उनमें से आधे से ज़्यादा 75% लोग आप देखोगे कि उन्होंने अपना कोट पैंट पहना हुआ है, मतलब कि सारे diabólica se pone satánica con inebra y tónica se parece a Riri lo como Mónica cuando esa me habla que साइड वाले एरिया में ना टैक्सी वगैरह खड़ी होती है नॉर्मली ना यहां पर टोक्यो एरिया में। एंड ना अभी बज रहे हैं, अभी टाइम देख के बताता हूं आपको कितना टाइम हो रहा है। ये देखो रात के बज रहे हैं 9:49। तो इस टाइम पे ना नॉर्मली जापानी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी छुट्टी होती है अराउंड 5:30 to 6, ओवर टाइम करके ये लगा लो 7-8 बज जाते हैं ना इनको। तो उसके बाद ना यहाँ पर जो टोक्यो एरिया के पास में जो कंपनीज वगैरह हैं या फिर जापनीज जो कंपनी होती हैं, तो वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह करने जाते हैं बाहर। एंड जो इस टाइम पे आपको एम्प्लॉयज़ वगैरह बाहर दिखने को मिलेंगे ना, अगर वो हंस रहे हैं या फिर मतलब कि थोड़ा टेढ़े टूढ़े होके चल रहे हैं, तो आप सोच लो कि हाँ भाई वो बाहर ड्रिंक वगैरह करके आए हैं। एंड अगर वो ऐसे मतलब थके हुए चल रहे हैं ना, तो ये सोच लेना कि हाँ भाई उन्होंने ओवर टाइम वगैरह करके आए हैं, तभी इनकी ऐसी हालत है। नॉर्मली जापनीज कंपनी में यार ड्रिंकिंग कल्चर बहुत तगड़ा है, मतलब कि आप लगा लो कि काम वगैरह करके ना ये नॉर्मली जो कंपनी के टॉप के बंदे होंगे वो तो नॉर्मली आप लगा लो रोज ही ड्रिंक वगैरह करने जाते हैं। बिकॉज एक तो उनका कनेक्शन वगैरह बन जाता है बाहर, वो अपने किसी कस्टमर हो गया या फिर सप्लायर वगैरह के साथ ड्रिंक वगैरह करने चल जाते हैं, तो उनका मतलब कनेक्शन वगैरह बनाने के लिए ना जो टॉप के बंदे हैं, बाकी अपने साथ में एम्प्लॉयज़ वगैरह को ले जाते हैं कि हाँ भाई चलो यार आज हम तुम्हें बाहर का इंजॉयमेंट कराते हैं, दिखाते हैं कि जापान कैसा है। तो ये सिस्टम के करके ना ये बाहर वगैरह ज़्यादा ले जाते हैं। यार टोक्यो में ना मेरे को अच्छी चीज़ भी लगती है, अच्छी चीज़ ये लगती है कि यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया में आ गए यहाँ पर। यार आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ यहाँ पर टोक्यो के। एक्चुअली ना टोक्यो आता है एक एरिया में जिसका नाम है कांतो एरिया, एंड कांतो एरिया में सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो आया था ना, उसमें ये जो टोक्यो स्टेशन है ना इसको कुछ भी नहीं हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यार, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बढ़िया तरीके से बिल्ड करा हुआ है ना। इवन जब मैं पिछली कंपनी में काम करता था ना,
तो वो जब कुछ डिज़ाइन वगैरह करते थे या फिर कोई नई बिल्डिंग वगैरह सोचते थे बनाने के लिए, तो वो इस हिसाब से सोचते थे कि आगे आने वाली 10 जनरेशन को उसको चेंज वगैरह ना करना पड़े, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो जिस जगह पे डिज़ाइन कर रहे हैं ना, अगर इन केस उन्हें आगे आने वाले टाइम में रिकंस्ट्रक्ट भी करना पड़ता उसको तोड़ के, तो वो सेम जगह पे करें, उनको दूसरी कोई जगह पे डिज़ाइन वगैरह ना करना पड़े। इतना आगे का सोच के ये कोई चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, तो खुद सोच लो यार कितनी बढ़िया प्लानिंग से, और जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कितने बढ़िया से डिजाइन वगैरह करा। El único problema es que nadie la ama, que su alma está fría y nada más que trae drama, no hay ninguna dama. Lo que sea, ella hace una pelea con la suerte. Maldita está, maldita está, maldita está, está. Por la calle. और यार मेरे पीछे ना यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये लगा हुआ है टैक्सी का बोर्ड, यहाँ पर आके सारी टैक्सीज वगैरह करती हैं, एंड ये देखो यार कितने अच्छे से ये लाइन वगैरह लगा के खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई अपना धक्का मुक्की हो रही है कि यार मैं पहले टैक्सी लूँगा तू पहले टैक्सी लेगा, प्रॉपर लाइन वगैरह लगाई हुई है इन्होंने। एंड ये देखो दूसरी साइड से टैक्सीज वगैरह आई जा रही हैं, एंड उसके आगे जाके है बस स्टैंड जहाँ से हमने लेनी है बस, एंड हमने जाना है घर। टाइम भी अभी काफ़ी हो गया है, तो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ यहाँ पर इन्होंने जैसे यहाँ नंबर वगैरह लिखे हुए हैं बस के, कि फर्स्ट नंबर वाली बस यहाँ पर आएगी, सेकंड नंबर वाली बस उसके आगे आएगी, एंड यहाँ पर इन्होंने स्क्रीन वगैरह लगाई हुई है जिसके अंदर बस के स्टेशन के नाम, जहाँ पर ये बस जाएगी उसका नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो हमने भी यार यहीं से ही बस लेनी है, अपना बस लेते हैं और घर चलते हैं वापस। अनाउंसमेंट करते रहते हैं ना ये स्पीकर से ताकि जिन लोगों ने जाना है वो मिस वगैरह ना कर दे, तो मैं चुप हो गया था थोड़ा उनके अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा बोलना वगैरह शुरू करा है। बट यार चलो आज की वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको यार एक छोटा सा व्यू देखने को मिल गया होगा टोक्यो का फ्रॉम दिस वीडियो। अपने आने वाले टाइम में और वीडियोज़ बनाएंगे रिलेटेड टू टोक्यो, बट आज जैसे कि आपको बताया हम काम पे आए थे, ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगा, तो हमने ये छोटी सी वीडियो दिखा के आपको टोक्यो का एरिया दिखा दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके साथ हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।